Hello dear students, I am Professor Brajesh Bagri and again we are continuing with class 10th chapter 8 introduction to trigonometry. देखिए हमने last videos में कुछ जितने भी हमारे videos थे उसमें हमने देखा था कि basics क्या होते हैं trigonometry के और हमने कुछ questions solve किए थे. इसी series में आज हम कुछ नया topic शुरू करने जा रहे हैं. आप लोगों ने अभी तक sin theta, sin a, sin c इस तरह के angles पर काम किया है, लेकिन सपोज कीजिए अगर इन एंगल्स की कुछ वैल्यूज हो, जैसे आपने साइन ए सॉल्व किया है, अब इस ए की कुछ वैल्यू अगर हम रख दें, वैल्यू मीन सपोज इसको मैंने यहां पर 30 डिग्री वैल्यू पुट कर दी, या मैंने इसे 45 डिग्री वैल्यू पुट कर दी, या इसे 60 डिग्री वैल्यू पुट कर दी, या इसे 90 डिग्री वैल्यू पुट कर दी, या इसे 0 डिग्री वैल्यू पुट की, तो इन रेशियोज की क्या वैल्यूज होंगी वही हम कैलकुलेट करेंगे. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. फॉर स्पेसिफिक एंगल्स कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे सभी सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए. सो फर्स्ट वी कैलकुलेट फॉर 45 डिग्री. सबसे पहले हम शुरू करेंगे 45 डिग्री के लिए. सो डियर स्टूडेंट्स, 45 डिग्री के लिए फर्स्ट वी कंसीडर अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल हमने कंसीडर किया, ट्रायंगल एबीसी व्हिच इज राइट एंगल्ड एट बी. ये एक ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं. नाउ लेट अस सपोज लेट एंगल ए बी 45 डिग्री. एंगल ए को हमने सपोज किया है 45 डिग्री. दिस एंगल इज 90 डिग्री. सो डियर स्टूडेंट्स, एंगल सी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. एंगल ए इज 45 डिग्री, एंगल बी इज 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री. सो एंगल सी इज 45 डिग्री. दैट मींस इफ एंगल ए इज 45 डिग्री, एंगल बी इज 90 डिग्री, सो एंगल सी वुड ऑल्सो बी 45 डिग्री. एंगल ए और एंगल सी दोनों की वैल्यूज सेम हो गई. Now let us suppose sides AB and BC, both sides are equal. Why both sides are equal? Because these two angles are equal, and we know that sides opposite to equal angles of a triangle आर इक्वल. इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए एंड एंगल सी बोथ आर इक्वल. जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट जो साइड्स है, लाइक एंगल ए के अपोजिट है बी सी साइड और एंगल सी के अपोजिट है ए बी साइड, तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी. सो लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए. हमने इन दोनों इक्वल साइड्स को ए सपोज कर लिया. बी सी की लेंथ भी ए है, ए बी की लेंथ भी ए, ऐसा हमने सपोज किया है. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड ए सी. सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर की लेंथ कितनी थी, ए बी की लेंथ है ए, ए स्क्वायर प्लस बी सी की लेंथ भी है ए स्क्वायर. सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, और ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, और ए सी इज इक्वल टू a रूट 2. दिस वुड बी द लेंथ ऑफ ए सी, a रूट 2. सो ए सी क्या मिल गया है हमें, a रूट टू, ये एसी की लेंथ मिल गई है. अब इस ट्रायंगल में
हम एक एंगल कंसीडर करते हैं और उस एंगल के लिए हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करेंगे. सो लेट अस कंसीडर एंगल ए. हमने एंगल ए कंसीडर किया, तो सपोज हम यहां पर सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं साइन ए की वैल्यू. साइन ए दैट मींस एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री. सो साइन 45 डिग्री. साइन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. अगर थीटा यहां पर लोकेट कर रहा है तो जैसा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है कि जो भी एंगल ऑफ कंसिडरेशन होता है उसकी अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है. इस केस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाली साइड हो जाएगी बेस. ये साइड हाइपोटेनियस है. सो अगर हमने एंगल ए कंसीडर किया है दैट मींस परपेंडिकुलर इज बीसी. सो बीसी अपॉन हाइपोटेनियस इज एसी. बीसी की लेंथ कितनी है, ए अपॉन एसी इज ए रूट टू. सो फाइनल आंसर इज 1/√2. ए कैंसिल हो जाएंगे. दैट मींस साइन 45 इज 1/√2. नाउ कैलकुलेटिंग कॉस ए. अगेन कॉस ए की जगह हमने 45 डिग्री पुट कर देना है. ए कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. सो इन दिस केस बेस इज ए बी एंड हाइपोटेनियस इज ए सी. ए बी लेंथ ऑफ ए बी इज ए अपॉन हाइपोटेनियस इज ए रूट टू. सो आंसर इज 1/√2 अगेन. देन कैलकुलेटिंग टेन ए. टेन ए अगेन यहां पर ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, 45. सो टेन 45 डिग्री. टेन 45 ए दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस. टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इन दिस केस परपेंडिकुलर इज बी सी एंड बेस इज ए बी. बी सी की लेंथ यहां पर ए है और ए बी की लेंथ भी ए है. सो ए अपॉन ए. सो आंसर इज 1. नाउ कॉसेक ए दैट मींस कॉसेक 45 डिग्री. हमें फॉर्मूले पता है कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए. तो यहां आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कॉसेक 45 डिग्री इज 1 अपॉन साइन 45 डिग्री. यहां पर साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √2. देन सेक ए. सेक ए मींस सेक 45 डिग्री. अगेन यहां पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, sec 45 डिग्री cos 45 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा. दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos 45 डिग्री एंड हियर cos 45 डिग्री इज 1/√2, इसका रेसिप्रोकल कर दे, 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2. देन cot a दैट मींस cot 45 डिग्री. अगेन cot 45 डिग्री रेसिप्रोकल होता है tan 45 डिग्री का, 1 अपॉन tan 45 डिग्री. और tan 45 डिग्री की वैल्यू है 1. 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है. सो आंसर इज 1. दीज आर द वैल्यूज फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर पर्टिकुलर एंगल 45 डिग्री. आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहे होंगे. अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करें. Thank you so much.